नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज जो देखने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए हिस्ट्री का लेक्चर यहां पर लेके आए हैं एमसीक्यू। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब अब जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, वो क्या है, एमसीक्यू होने वाले हैं किसी यूनिवर्सिटी में। किसी किसी यूनिवर्सिटी एमसीक्यू हो रहे हैं, किसी किसी में क्या हो रहा है, लिखित हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं एमसीक्यू यहां पर हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। और अब कंटिन्यू आपके क्या होंगे, एमसीक्यू वाली क्लास चलती रहेंगे, क्योंकि एमसीक्यू जल्दी आपके एक महीने के बाद एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। अगर आप ये सारे के सारे एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छी प्रकार से देखेंगे, आपको याद कराने की 100% कोशिश करूंगा कि आपको यहां पर देखते ही देखते याद हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो बीए फर्स्ट पार्ट कौन सा है, बीए का पार्ट फर्स्ट, और सेमेस्टर कौन सा है, सेमेस्टर हो जाता है सेकंड। ठीक है, हिस्ट्री का हमारा लेक्चर रहने वाला है, एमसीक्यू क्वेश्चनों का लेक्चर नंबर ओनली बन ही है। ठीक है, ये आज से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम देखेंगे 1206 से लेकर कौन सा हो जाता है, 1206 से लेकर 1757 तक। ठीक है, 1206 से लेकर 1757 तक यहां पर आपका देखने को मिलता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो मध्यकालीन भारत है वो यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, 1206 से लेकर, आपको पता है 1206 से लेकर 1526 तक क्या होता है, दिल्ली सल्तनत काल रही थी, उसके बाद मुगल काल आ जाती है। ठीक है, तो ये हम दोनों के दोनों यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू अनुसार। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो भाई देखिएगा, तो बात करते हैं फटाफट। ठीक है, यहां देखिएगा थोड़ा सा, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से लेकर 1757। तो यहां पर इकाई वन जो है, इकाई वन में हमें क्या देखने को मिलेगा, इकाई वन में देखने को मिलेगा तुर्कों का उदय। क्या देखने का मिलेगा भाई, तुर्कों का उदय देखने को यहां पर मिलने वाला है। तो बात करते हैं सिंध पर विजय, सिंध पर विजय किसने प्राप्त की थी। तो यहां पर होना चाहिए सिंध पर प्रथम विजय किसने प्राप्त की थी, कह सकते हैं सिंध पर विजय प्राप्त किसने की थी। ठीक है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, बताइएगा इसका राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में हम देखने वाले हैं इसके बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। तो बात करते हैं, क्वेश्चन देखा है सिंध पर विजय किसने प्राप्त की थी। पहला ऑप्शन है कौन सा, हज्जाज, दूसरा है उबैदुल्ला, मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा चौथा दे रखा है तुम्हारा सिहाबुद्दीन। राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है, बताइएगा भाई। देखो बात करते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था, मतलब भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला जो शासक हो जाता है वो कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम होता है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और कौन सा होता है, यह पहला अरबी आक्रमणकारी है। कौन सा है, यह फर्स्ट अरबी आक्रमणकारी हो जाता है। कौन, फर्स्ट अरबी आक्रमणकारी हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम। इसने जब भारत पर आक्रमण किया था वो किया था 712 ईस्वी में। कब किया था भाई, 712 ईस्वी में, सवार होके आया था। ट्रिक कौन सी है, सवार होके आया था 712, है ना, 712 ईस्वी में क्या किया था इसने, भारत पर आक्रमण किया था। कहां पर, सिंध पर, ध्यान रखना कहां पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। और जो इसका आक्रमण था वो सफल था, इसीलिए कहते हैं कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला, क्योंकि सिंध पर पहली बार विजय प्राप्त किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। इसने आक्रमण कब किया था, 712 ईस्वी किया था, और ये प्रथम आक्रमणकारी, प्रथम अरबी आक्रमणकारी था। ठीक है, जिसने सफल आक्रमण किया था। तो बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा और, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो सिंध का शासक उस समय कौन था, है ना, सिंध का जो शासक हुआ करता था वो कौन था, तो वो हो जाता है कौन, दाहिर। ठीक है, यहां का जो शासक हुआ करता था वो दाहिर हुआ करता था। ठीक है, सिंध का शासक कौन था, दाहिर हुआ करता था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, इतने से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। सिंध पर विजय किसने प्राप्त की थी, मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम अरबी आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम सिंध पर विजय सफलतापूर्वक किसने प्राप्त की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने। कब की थी, 712 ईस्वी में। सिंध का शासक उस समय कौन था, दाहिर। ठीक है, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, द
द खलीफास लास्ट हेरिटेज पुस्तक के लेखक कौन है? द खलीफाज लास्ट हेरिटेज के पुस्तक जो हैं वो पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हो जाते हैं, ये आपको देखना है। पहला दे रखा है कर्नल डार्ट, दूसरा दे रखा है अपना लेन पूल, तीसरा दे रखा है एच टी बेल्स, फिर दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी ट्रिक बताने वाला हूं आपके लिए, ठीक है, जो कि आपको याद रहे। बिल्कुल बताएगा राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन? एच जी बेल्स। कौन हो जाएगा? एच जी बेल्स। याद कैसे करें? याद यहां देखोगे आपको दिखेगा हेरिटेज, किसी को हेरिटेज करना, परेशान करना, और यहां पर बेल्स किससे परेशान कर रहे हैं भाई? घंटी बजाकर कर रहे हैं, है ना, किससे परेशान कर रहे हैं? घंटी बजाकर। तो बिल्कुल याद रहेगा आपको, कौन जाएंगे? एच जी बेल्स। किसके? द खलीफाज लास्ट हेरिटेज पुस्तक के लेखक कौन? बेल्स। हेरिटेज क्यों कर रहे हैं, परेशान किससे कर रहे हैं भाई? घंटी बजाकर, ठीक है, बिल्कुल याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपना क्या रहने वाला है, ठीक है। पहले बड़ा करेंगे, उसके बाद डिटेल में देखेंगे तो छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। कह रहा है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला दे रखा है अब्बासी खलीफा, दूसरा रखा है पैगंबर मोहम्मद साहब, तीसरा मोहम्मद उमर, और चौथा दे रखा है अपना कौन सा? उम्मेद खलीफा। राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन? पैगंबर मोहम्मद साहब। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या पता यहां से कुछ बाहर क्वेश्चन पूछ ले, है ना, जो आगे देखने को मिल सकते हैं यहां पर आगे। तो बात करते हैं, देखिएगा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में, इसको एक साइड में कर लेते हैं। तो बात करते हैं मोहम्मद साहब की, है ना, किसकी बात करते हैं? मोहम्मद साहब की। अगर मोहम्मद साहब का जन्म पूछ ले, जन्म कहां हुआ था, ठीक है, जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था, तो कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहां हुआ था? मक्का में, ठीक है भाई। 570 ईस्वी में इनका जन्म कहां हुआ था? मक्का में हुआ था। वही पूछ ले, अब यहीं पर जन्म कर लिया तो मृत्यु कर लो, ठीक है ना, जब जन्म कर लिया तो क्या कर लेंगे? मृत्यु कर लेते हैं। तो मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु 5 के बाद 6 में होगी, इतना तो पता है, और कब होगी? 32 ईस्वी में, ठीक है। 632 ईस्वी में मृत्यु कहां होती है? मृत्यु होती है मदीना में, और मदीना में ही इन्हें दफना दिया जाता है, ठीक है, मदीना में ही इन्हें दफना दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इनके पिता का नाम, माता का नाम, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिता का नाम, माता का नाम, और इनके एक चाचा हुआ करते थे, ठीक है, जिन्होंने इन्हें पाला था, चाचा। तो इन तीनों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तीनों का नाम किससे है? एक ट्रिक है इसकी, कौन सी? आ आ और आ, ठीक है, आ आ और आ। तो बात करते हैं कौन जाते हैं, एक हो जाते हैं तुम्हारे अब्दुल्ला, आ से कौन जाएंगे? अब्दुल्ला, आ से कौन हो जाएगी? अमीना, और आ से क्या हो जाएगा? अबू अबू बक्स था, अबू अबू तालिब, ठीक है, कौन था? अबू तालिब। अब देखो ट्रिक हमारी क्या बनी, ट्रिक बनी कि पिता माता और चाचा का अगर नाम पूछ ले तो सब में पहला अक्षर क्या होगा? आ से होगा, आ से अब्दुल्ला, आ से अमीना, आ से अबू तालिब। अगर पूछ ले किसने, किन्होंने मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया था, तो वो किया था इनके चाचा ने, अबू तालिब ने, ठीक है, किसने किया था? इनके चाचा ने, अबू तालिब ने इनका पालन पोषण किया था। बात करते हैं यहीं पर इनकी पत्नी, इनकी शादी हुई थी, ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम जो था वो क्या था? खदीजा था। क्या था? खदीजा। इनकी पत्नी का नाम जो हुआ करता था वो हुआ करता था खदीजा, ठीक है, और इनकी बेटी थी एक, इनकी क्या हुआ करती थी? एक बेटी भी थी जिनका नाम हो जाता है फातिमा। कौन था? जिनका नाम हो जाता है फातिमा। और फातिमा की शादी किससे होती है? फातिमा की जो शादी होती है, सैंबल किससे है? पति पत्नी का है, ब्लड रिलेशन पड़ा होगा, ठीक है। तो बात करते हैं इनकी शादी होती है किससे? अली से।
इनकी शादी किससे हो जाती है? अली से हो जाती है। तो कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब का दामाद कौन था? तो वो हो जाता है अली। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरीज बाई आपको क्या करना है भाई? याद कर लेना है ना। सीरीज बाई आपको क्या कर लेना है भाई? याद कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट ये है, थोड़ा सा फैक्ट और भी है। इसको एक बार क्या करना है, स्क्रीन शॉट ले लो, थोड़ा और छोटा करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिएगा राइट आंसर, देखो यहां पर तो अपना वो हो गया, ठीक है, इतना स्क्रीन शॉट। इसके बाद थोड़ा सा फैक्ट और बचा, उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा फैक्ट और है, देखो बात करते हैं मोहम्मद साहब, इसका जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? 5700 ईस्वी में, है ना, 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी मदीना में हुई थी, और मदीना में इन्हें दफना दिया गया था। फिर बात करते हैं, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, चाचा का नाम अबू तालिब, और पति का नाम क्या था? खजीदा, और बेटी का नाम हो जाता है फातिमा, और फातिमा के पति कौन थे? इनके दामाद कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं अली। और जब इनकी मृत्यु होती है, जब इनकी मृत्यु होती है, तो जो कह सकते हैं इस्लाम धर्म जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक हो जाता है सिया और एक हो जाता है सुन्नी। सिया और सुन्नी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जो सिया के होते हैं, सिया के हो जाते हैं अली, वो अली किसे मानते हैं? ये मोहम्मद को मानते हैं, मतलब कह सकते हैं अल्लाह को मानते हैं। और जो सुन्नी होते हैं वो किसे मानने लगते हैं? वो मोहम्मद साहब को मानने लगते हैं। तो कह सकते हैं कि इनके दामाद जो थे वो और मतलब सिया की ओर चले गए, और जो बाकी जो थे वो कहाँ चले गए? सुन्नी की ओर चले जाते हैं, ठीक है। अब थोड़े से फैक्ट्स और हैं, उनको भी देख लेते हैं, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ले लिया होगा, देखो थोड़ा सा एक फैक्ट और है। इन्हें कह सकते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कह सकते हैं 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में कहाँ होती है? हीरा नामक एक गुफा होती है, हीरा नामक एक गुफा, जो कहाँ पर है? मक्का में ही है, ठीक है, कहाँ पर है? मक्का में ही है, हीरा नामक गुफा। इन्हें क्या होती है? वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है 661 ईस्वी में। उसके बाद ये परेशान होकर यहूदियों से, ठीक है, वहां से परेशान होकर कहाँ चले जाते हैं? मक्का से परेशान होकर, मक्का से ये परेशान कर दिए जाते हैं, बहुत सताए जाते हैं, और ये मक्का छोड़कर फिर कहाँ चले आते हैं? मदीना चले आते हैं। अब मक्का छोड़कर मदीना आ गए, तो यह भी पूछता है कि मक्का छोड़कर मोहम्मद साहब मदीना कब गए थे? तो ध्यान रखना 622 में। कब? 622 में ये कहां चले जाते हैं? मदीना चले जाते हैं, बाय कर जाते हैं, बाय, ठीक है, याद रहेगा ना, बाय मतलब यहां से छोड़ के जा रहे हैं तो क्या करेंगे? बाय। तो कह सकते हैं 622 में, 622 ईस्वी में कहां चले गए? ये मक्का को छोड़कर कहां आ गए? मदीना आ गए। यहीं पर एक संबत की शुरुआत करते हैं जिसका नाम होता है हजरी संबत। हजरी संबत, यहीं पर क्या करते हैं? हजरी संबत की शुरुआत करते हैं। वो भी कितनी ईस्वी में करते हैं? वो भी 622 ईस्वी में ही हजरी संबत की शुरुआत ये करते हैं, ठीक है। और यहीं बात करते हैं, थोड़ा सा और फैक्ट्स बच गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनने ही वाला एग्जाम में। एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा फैक्ट और है, यहीं पर बात करते हैं, मोहम्मद साहब की हमारी बात ही चल रही है ना, मोहम्मद साहब की हमारी बात ही चल रही है, तो बात करते हैं जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ये 622 ईस्वी मदीना चले जाते हैं, ठीक है, 622 ईस्वी में मदीना चले जाते हैं, तो एक देवदूत आता है। कौन आता है? एक देवदूत, ठीक है, एक देवदूत आता है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम तुम्हारा हो जाता है कौन? जिब्रियल। कौन था भाई? जिब्रियल, ठीक है, एक दूत होता है जिसका नाम होता है जिब्रियल। जिब्रियल इन्हें क्या देता है? कुरान दे देता है। क्या? कुरान को समर्पित करके इनके लिए चला जाता है ना, कुरान देकर इन्हें चला जाता है। अब कुरान से फैक्ट बनते हैं, फिर कुरान में कितनी कह सकते हैं, कितने क्या है सूक्त हैं, क्या है, कितने सूक्त नहीं, सूक्त नहीं होते इसमें, इसमें अध्याय होंगे, ठीक है, इसमें कितने अध्याय होते हैं? तो अध्याय की बात करें, 114 इसमें क्या होते हैं? अध्याय होते हैं। वही पूछ ले पद कितने होते हैं, तो पद होते हैं 6360, ठीक है, भी कितने होते हैं? 6360 क्या होते हैं इसमें? पद होते हैं। और अध्याय की बात करेगा तो 114 अध्याय होते हैं, बस इतने ही फैक्ट पूछेगा, यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका।
देवदूत पूछ रहे तो कौन आया था, जिब्रील आया था। जिब्रील ने कुरान को इनको समर्पित कर दिया था। कुरान में अध्याय कितने हैं 14, कुरान में पद कितने हैं तो 6360 क्या हो जाते हैं इसमें पद हो जाते हैं। ठीक है, आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अभी इसी से क्वेश्चन बनेंगे, देखिएगा आगे इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे के सारे। हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बोल जाते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है किस उम्मयाद खलीफा ने अमीर उल मुमीनिन की उपाधि ग्रहण की थी। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, किस उम्मयाद खलीफा ने अमीरुल मुमीनिन की उपाधि धारण की थी। पहला दे रखा है उस्मान ने, अली ने, उमर ने, या पर हो जाता है अबू बकर ने। राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा, बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा। इसकी ट्रिक बताने वाला हूं, याद रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखो यहां पर आ से निकाल दो ऊ, यहां से मां निकाल लो, यहां से रा निकाल लो, क्या बना उमर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आपको याद रहने वाला है। और ये भी मोहम्मद साहब से ही रिलेटेड हैं, ये भी मोहम्मद साहब से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि आपको पता है चार खलीफा थे, कितने मोहम्मद साहब के अंतर्गत चार खलीफा बने थे, खलीफा पद इन्होंने दिया था। ठीक है, चार खलीफा थे, पहला कौन हो जाता है, पहला हो जाता है अबू बकर। पहला कौन था, पहला खलीफा हो जाता है अबू बकर। सेकंड कौन था, सेकंड हो जाता है तुम्हारा उमर, सेकंड हो जाता है तुम्हारा उमर। चौथा कौन था, वो सॉरी तीसरा कौन था, उस्मान। चौथा तीसरा हो जाता है उस्मान, और चौथा कौन था, अली। ठीक है ना, तो बात करते हैं चार खलीफा हुआ करते थे मोहम्मद साहब में, एक था तुम्हारा कौन सा, पहला जो हो जाता है फर्स्ट, इसे फर्स्ट कह दो, इसे सेकंड, इसे थर्ड, और इसे कह लो फोर। ठीक है, जो फर्स्ट होता है वो होता है अबू बकर खलीफा बनता है, सेकंड का बनता है उमर, थर्ड का बनता है उस्मान, और फोर का बनता है अली। और यही बात करते हैं जो है तुम्हारा अमीरुल मुमीनिन की उपाधि कौन ग्रहण करता है, तो वह खलीफा होता है उमर, जो सेकंड नंबर का खलीफा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर यहां पर सा हो जाए, कितनी डीपली पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं जितना पढ़ा रहा हूं सब पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला हिस्ट्री का। हिस्ट्री का अगर अच्छी प्रकार से पढ़ लोगे, जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना बस। ठीक है, दो बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, अरबों का सिंध पर आक्रमण किस उद्देश्य से हुआ था। जो अरब थे, पहला अरबी आक्रमणकारी कब कौन था, पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था, आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण किया था, 712 ईस्वी में। उस समय सिंध का शासक कौन था, दाहिर था, सब कुछ देखा था हमने। बिल्कुल दे रखा है, अरबों का सिंध पर आक्रमण किस उद्देश्य से हुआ था। तो अरबों जो ने आक्रमण किया था सिंध पर, वह किस उद्देश्य से किया था, तो बात करते हैं धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी। देखो ये लूटने के फ्राक से भी आए थे और इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए भी आए थे, क्योंकि सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रचार कहां हुआ था, सिंध में ही किया था इन्होंने, है ना। तो बात करते हैं धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक, सभी तौर पर ये आए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहम्मद साहब ने मक्का से प्रस्थान किया था, मोहम्मद साहब ने मक्का से प्रस्थान किया था, कब प्रस्थान किया था ये आपको बताना है। देखो मैंने आपको बताया डीपली पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, देखिएगा। तो बात करते हैं वहीं से क्वेश्चन आया, मोहम्मद साहब ने मक्का से प्रस्थान किया था, कब प्रस्थान किया था, तो आपको बता है जो है तुम्हारा 610 इसमें क्या हुई थी, इन्हें हीरा गुफा में, कहां पर, हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना। 610 में क्या हुई थी, हीरा गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है मक्का में, पता है ना। उसके बाद 622 में कहां चले जाते हैं, ये मदीना चले जाते हैं। 622 में कहां चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। यहीं पर हजरी संबत की शुरुआत करते हैं, जिसमें कितने अध्याय होते हैं ना, कितने अध्याय होते हैं, तो वो होते हैं 14। पद कितने होते हैं, 6300
60 होते हैं, है ना, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो बिल्कुल, तो बात करते हैं कब गए थे, मैंने बताया था ना बाय करके गए थे, मदीना को बाय करके गए थे, कब, 622 में। 622 में कहां चले आते हैं, मदीना चले आते हैं, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु कब होती, ये भी मैंने रखा था, 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हें मदीना में ही दफना दिया जाता है। और बात रखिए यहां पर देखो 632 इसमें क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं आपको डीपली पढ़ा रखा है ये, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी प्रकार से उसे पढ़ना है, याद करना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, अरबों के सिंध पर आक्रमण के समय अफगानिस्तान पर किस राजा का शासक था, बताएगा भाई किस राजा का शासक था। जब अरबी आक्रमणकारी जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसने 712 ईस्वी में कहां पर, सिंध पर जब आक्रमण किया था, उस समय अफगानिस्तान का जो राजा हुआ करता था उस पर किसका शासक था, ये आपको बताना है, इस्लाम का, ईरानी का, हिंदू का या फिर तुर्क का। तो भाई ये मैंने बहुत सर्च किया, ये मुझे नहीं मिल पाया, ठीक है, आप सर्च करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना इसका आंसर। मतलब अरबों के सिंध पर आक्रमण के समय अफगानिस्तान का राजा कौन था, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, मुझे नहीं मिल पाया ये। तो बात करते में इतना तो पता है किसका था, हिंदू शासक था वहां का, ठीक है, हिंदू शासक था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखा है, अरबों को अंकों का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ, जो अरबी आक्रमणकारी थे उन्हें अंकों का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ था, आपको बताना है, भारत, यूरोप, फारस या फिर अपना हो जाता है मोरक्को, राइट आंसर भी अपना क्या रहने वाला है। देखो बात करते हैं, अरबों को अंकों का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ था, भारत से प्राप्त हुआ था, कहां से भाई, भारत से प्राप्त हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अरबों के आक्रमणों से उत्तरी भारत दहल गया, किस लेखक ने लिखा है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, कभी गलत नहीं होगा। अरबों के आक्रमण से उत्तरी भारत दहल गया, किस लेखक ने लिखा है, पहला दे रखा है बी ए स्मिथ ने, फिर दे रखा है लैन लूप ने, कर्नल डार्ट ने या फिर एच जी बेल्स ने। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कर्नल डार्ट ने, किसने, कर्नल डार्ट ने। तो ध्यान रखना उत्तर सीमा में कौन है, अपना कश्मीर है ना, कश्मीर में कौन तैनात होते हैं भाई, जवान होते हैं, मतलब कर्नल वगैरह होते हैं, तो ध्यान रखना वहां से याद रहेगा कर्नल, कि उत्तरी सीमा में कौन है भाई, इस समय भाई फोर्स है लगी हुई, ठीक है, रक्षा करती है हमारे देश की, तो मतलब कह सकते हैं कौन है, कर्नल होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखा है हजरी सन कब प्रारंभ हुआ था, वही देखा है हजरी जो संबत है वो किस सन में प्रारंभ हुआ था, पढ़ा रखा है ना, वही आ गया, राइट बताइएगा, हजरी संबत कब प्रारंभ हुआ था, पहला दे रखा है 620, 622, 624, 626, राइट आंसर क्या होगा, जब मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। मदीना जाते ही क्या करते हैं, हजरी संबत की शुरुआत करते हैं, कब, बाय करके गए, है ना। तो राइट आंसर 622, राइट आंसर क्या हो जाएगा 622। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहां दे रखा है अरबों के सिंध पर आक्रमण के समय भारत में मुख्यतः किस धर्म के अनुयायी थे, जब अरबों ने आक्रमण किया था भारत पर, सिंध पर, उस समय दे रखा है भारत में किस धर्म के अनुयायी थे, पहला दे रखा है हिंदू, बौद्ध, जैन या फिर बौद्ध और हिंदू थे, राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये आपको बताना है, बताएगा भाई, इसका तो राइट आंसर होगा जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध और हिंदू धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। उसके बाद अरबी आक्रमणकारी आते हैं और यहां पर इस्लाम धर्म का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरबी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां दे रखा है मोहम्मद गजनबी किस वंश से संबंधित था, जो मोहम्मद गजनबी है वो किस वंश से संबंधित था, ये आपको बताना है। पहला दे रखा है शंसबनी, यामिनी, गजनी, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल इजी है, कौन सा, गजनी। और ये कहां का शासक था, अफगानिस्तान का रहने वाला था, ठीक है, मोहम्मद गजनबी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है इसमें, ठीक है। बात करते हैं मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, यह आपको बताना है। 1020, 1022,
1024, 1026। राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा, वैसे ऑप्शन भाई देखें तो 1024 लगाएंगे ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। मगर जो मोहम्मद गजनबी था इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब? 1025 में किया था, यहां पर गलत दे रखा है। अगर ये आए तो ये लगा देना, अगर ये हो तो यही लगाना, ठीक है। 1025। वही बात करते हैं, सोमनाथ मंदिर है कहां पर, ये भी पूछ सकता है। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर भाई? सोमनाथ मंदिर जो पड़ जाता है वो पड़ जाता है गुजरात में। इस समय जो शासक हुआ करता था वो भीमपाल था। कौन था? भीमपाल। जब सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी जब आक्रमण करता है तो उस समय शासक कौन होता है? यहां का शासक होता है कौन? भीमपाल। भीमपाल होता है यहां का शासक, ध्यान रखना। यहां का जो शासक होता है वो कौन होता है? भीमपाल होता है। अब थोड़ा सा इसके डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं जो कि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, ठीक है। देखो बात करते हैं किसकी? मोहम्मद गजनबी की। मोहम्मद गजनबी की बात करते हैं तो इसके पिता का नाम क्या था? यह भी बार बार एग्जाम में पूछा था। इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन याद रखाऊंगा, अभी ट्रिक बताऊंगा इसकी। सुबुक्तगीन मोहम्मद गजनबी है। गज, गज जानते हो नापने के लिए होता है, तो यहां पर गिन भाई, गिन कितने गज तूने डाले, ये गिन, बिल्कुल याद रहेगा ना, सुबुक्तगीन। तो मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनबी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्त गीन। और जब इसके पिता जब गजनी प्रदेश में रहते थे अफगानिस्तान में, ठीक है, तब ये कहां का शासक हुआ करता था? सबसे पहले जो शासक बना था वो शासक बना था कहां का? ये खुरासान का शासक था। कहां का? खुरासान का शासक हुआ करता था। खुरासान का शासक कौन हुआ करता था? मोहम्मद गजनबी हुआ करता था जब ये गजनी प्रदेश के शासक थे। कौन थे? सुबुक्तगीन। उस समय सबसे पहले शासक बना था कहां का? खुरासान का। ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसने सोमनाथ मंदिर पर इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आप कहोगे 17 बार आक्रमण किया था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था जब ये सोमनाथ मंदिर को लूटकर, सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस ये गजनी प्रदेश जा रहा था, तो रास्ते में पड़ते हैं जाट। कौन पड़ते हैं? जाट। और जाट जो जाट होते हैं वो इसका जो खजाना वगैरह होता है लूट के ले जाता है, 20 लाख के करीब में, 20 लाख दीनार के करीब में यहाँ से लूट के ले जाता है, ठीक है। उसमें से कुछ हिस्सा जो जाट होते हैं इसे छीन लेते हैं रास्ते में ही, ठीक है, रास्ते में ही छीन लेते हैं। उसके बाद 25 के दो वर्ष के बाद 25, 26, 27 फिर आता है 1027 में और ये जाटों को पराजित करता है। क्या करता है? जाटों को पराजित कर देता है, ठीक है, दो वर्ष के बाद में। फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है 30 में, 1030 में जो था मोहम्मद गजनबी जो हुआ करता था, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बस इतना ही है यहां से, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो 25 लगाना, 24 हो तो 24 लगाना, अगर 25 हो तो 25 ही लगाना है आपको, ठीक है। दोनों दे रखे हो 24, 25 तो 25 लगाना। वही बात करते हैं उस समय यहां का शासक कौन था? तो भीमपाल था। वही बात करते हैं यहां पर इनके पिता का नाम सुबुक्तगीन। सबसे पहले कहां का शासक था? खुरासान का शासक बना था गजनी प्रदेश में। उसके बाद भारत पर आक्रमण कितनी बार किया? 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर से कितने? 20 लाख के करीब में दीनार लूटे थे। उसके बाद ये वापस जा रहा था तो जाटों ने इसे लूट लिया। फिर जाटों पर आक्रमण करता है कब? 1027 में ये जाटों को पराजित कर देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, अभी देखना, अभी यहां से क्वेश्चन बनेगा। कहां देख लिया? अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। यहां देखा है जयपाल द्वारा पराजित होकर आत्मदाह करने के पश्चात हिंदू शाही राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? अब आपको पता है 1001 की बात है ये, कब?
1001 ईस्वी की बात है जब मोहम्मद गजनबी भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो जयपाल होता है कहाँ का, यही सोमनाथ मंदिर का, गुजरात का शासक कौन था, जयपाल। जयपाल को कौन कर देता है, मोहम्मद गजनबी कर देता है पराजित। जयपाल को मोहम्मद गजनबी क्या कर देता है, पराजित कर देता है। उसके बाद पराजित होने के बाद ये अपनी क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। जो जयपाल होता है वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो कौन बैठता है, वही पूछ रखा है। पहला दे रखा है आनंदपाल, रामपाल, भीमपाल या फिर त्रिलोचनपाल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था कौन, भीमपाल। क्योंकि भीमपाल क्या है, जब सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर जब 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, तो इस समय शासक कौन हुआ करता था, भीमपाल ही हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमपाल। वहीं से निकल के आया, अगर आप अच्छी प्रकार से पढ़ लोगे तो एग्जाम में धुआं उड़ा के आने वाले हो। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गजनी विजय के पश्चात अलाउद्दीन हुसैन को कौन सी उपाधि दी गई। जब मोहम्मद गजनबी विजय प्राप्त कर लेता है, उसके पश्चात जो अलाउद्दीन हुसैन है उसको कौन सी उपाधि दी जाती है, ये आपको बताना है। यामीन ए उद्दा, यामीन ए उल्ला, यामीन ए दिया, यामीन ए कुछ है, ठीक है, यामीन सही है, यामीन एक तो उल्ला हो जाती है, यामीन ए कुछ और है। ठीक है, जितने यामीन यामीन हैं वो सब किससे हैं, मोहम्मद गजनबी से हैं। ठीक है, जितने यामीन यामीन लगे हुए होंगे वो सारी उपाधियां किसकी होंगी, मोहम्मद गजनबी की होंगी। जहां यामीन दिखे मोहम्मद गजनबी लगा देना, राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। बात करते हैं गजनी विजय के पश्चात अलाउद्दीन हुसैन को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो पहला दे रखा है शहंशाह आजम की, जहां ओज की, बादशाह की या फिर यामीन उद्दौला। तो यामीन यहां पर आ गया, मैंने बताया यामीन और उद्दौला किससे मिलती है, गजनबी को, ये गजनबी को उपाधि है यामीन उद्दौला, यामीन और भी कुछ है। ठीक है, तो बात करते हैं ये जो है अलाउद्दीन हुसैन को वो दी गई थी, किसको, जहां सोज की उपाधि दी गई थी, किसकी, जहां सोज की उपाधि दी गई थी, और जितने यामीन हो वो सब गजनबी को उपाधि मिली थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया, मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया, मैं आपसे पूछ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे हम, पहले से बताइएगा आंसर क्या होगा। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, है मैं किया था, कोई बात नहीं, 5 लगा दो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगर यहां पर 1206 होता तो वह राइट आंसर होता। ठीक है, ये भी थोड़ी सी मिस्टेक है, मगर 1206 नहीं है, आसपास में 5 है तो 5 को हम लगा देंगे, आप 6 को याद करते हुए चलना। ठीक है, तो बात करते हैं मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया, तो 1206 में अंतिम आक्रमण किया था। देखो मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, छोटा कर लें पहले, उसके बाद में डिटेल में इसके बारे में देख लेते, थोड़ा बड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी किसके बारे में देख रहे हैं भाई, मोहम्मद गौरी के बारे में। तो बात करते हैं मोहम्मद गौरी की, किसकी बात करेंगे भाई, मोहम्मद गौरी की अब हम बात करेंगे। तो मोहम्मद गौरी जो हो जाता है, मोहम्मद गौरी गौरी प्रदेश का शासक था। पहली बात, ये गौरी प्रदेश का शासक हुआ करता था। ठीक है, और ये कहां पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। वही बात करते हैं इसकी कि ये सबसे पहले की हम बात करेंगे, किसकी, सबसे पहले की बात करेंगे। इसने 1175 में, 1175 में मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, है ना, मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी, और भी बनता है। ठीक है, जैसे बाकी छोड़ो, जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं यार, इम्पोर्टेंट रुकेगा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आता है 1191 में, फिर आता है 1192 में,
है ना, 1191, 1192 और एक ही दो होता है जो पृथ्वीराज चौहान को कौन करता है, सपोर्ट करता है, तो 1194 में। ठीक है, पहला होता है तराइन का, तराइन का फर्स्ट होता है, फिर होता है तराइन का सेकंड, और फिर होता है चंदेरी का। चंदेरी का ही था ना, चंदा पर, चंदेरी मेदिनी राव चंदा पर। ठीक है, चंदा पर का कौन सा होता है, चंदा पर का युद्ध होता है। ये तीन युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीन युद्ध क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, जो अपना 1191 में जो हुआ था वो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच, और किसका होता है, गौरी के बीच होता है ना, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच होता है, जिसमें गौरी की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है, गौरी की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। फिर इन्हीं के बीच होता है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच फिर युद्ध होता है, इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, क्योंकि यहां पर जयचंद तो था, जो जयचंद था, जयचंद था वो किसकी सपोर्ट कर रहा था, जयचंद सपोर्ट कर रहा था पृथ्वीराज चौहान की। अब पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो जयचंद की एक बेट, इसके बहन होती है, उससे क्या कर लेते हैं, ये उन्हें भगा कर ले आते हैं, क्योंकि एक दूसरे प्यार करते थे, तो ये भगा कर ले आते हैं, और उसके बाद जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या होती है, दुश्मनी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जयचंद जो होता है सेकंड जो होता है सेकंड वाले युद्ध में गौरी की सहायता करता है, सेकंड वाले युद्ध में क्या करता है, गौरी की सहायता करता है, और पृथ्वीराज चौहान की यहीं पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हार जाते हैं, और उसके बाद बात करते हैं फिर युद्ध होता है किसके बीच, क्योंकि जयचंद सपोर्ट किसकी करता है, पृथ्वीराज चौहान की, मोहम्मद गौरी कौन था आप जानते हो, है ना, ये लोग तो किसी को मानते नहीं है, क्योंकि सपोर्ट किसकी की थी पहले जयचंद ने, पृथ्वीराज चौहान की। तो अब फिर युद्ध होगा जयचंद के बीच और गौरी के बीच, अब यहां पर जयचंद हार जाएंगे, है ना, जयचंद हार जाएंगे और मोहम्मद गौरी यहां पर शासन अधिकार कर लेगा, और यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहीं पर क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। वही बात करते हैं जो मोहम्मद गौरी है ना, मोहम्मद गौरी अब 1206 ईस्वी, ध्यान रखना, हमने यही तो देखा ना मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण कब, 5 में, मगर 1206 होगा यहां पर, 1206 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, कत्ल कर दिया जाता है इनका, वही इनका अंतिम आक्रमण होता है, वही क्या होता है, इनका अंतिम आक्रमण होता है। तो यहां से लिख लीजिएगा फटाफट, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आगे भी, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी को कहां दफनाया गया, बताएगा भाई, मोहम्मद गौरी को कहां दफनाया गया, मृत्यु कब होती है, 1206 में, है ना, मृत्यु कब होती है, 1206 में, मोहम्मद गौरी को कहां दफनाया गया, गजनी, गौर, पेशावर या फिर मुल्तान। राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा गजनी, अफगानिस्तान में इसे दफनाया गया था। मृत्यु कब होती है, मृत्यु होती है 1206 में इसकी। ठीक है, मृत्यु कब होती है, 1206 में, जब ये भारत पर आक्रमण करता है अंतिम बार, और इसकी यहां पर मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसका कत्ल कर दिया जाता है। आगे देखो, राय पिथौरा किस शासक को कहा जाता है, जो राय पिथौरा है वह किस शासक को कहा जाता है, ये आपको बताना है। पहले रखा है जयचंद, परमालदेव, आनंदपाल, पृथ्वीराज तृतीय, राइट आंसर क्या होगा, तो राय पिथौरा जो है वो पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रखा है तुर्की शासन काल में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, जो तुर्की शासन काल है उसमें किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, राइट आंसर क्या होगा, फारसी, तुर्की, अरबी, उर्दू। तो तुर्की शासन काल में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था, तो वह हो जाती है फारसी, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तुर्कों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ, तुर्कों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ, निरंतर युद्धों का अंत, निरंतर युद्धों का आरंभ, तुर्की राज्य की स्थापना, तुर्कों के सम्मान में वृद्धि। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है,
तुर्कों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? तो यह हुआ था तुर्कों की राज्य की स्थापना। क्या? तुर्कों की राज्य की स्थापना हो गई। आगे देखो, यहां देखा है हिंदुओं को किस भावना से धर्म से विमुख कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टाइम, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। मैथ में और रीजनिंग में तो होता ही है, मगर ये भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन। हिंदुओं को किस भावना से धर्म से विमुख कर दिया? मूर्ति पूजा से, तंत्र मंत्र से, कर्म कांड से? तो राइट आंसर क्या होगा? इन सभी से, इन्हें भावनाओं से विमुख किया गया। कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, इनमें कुछ नहीं है, तंत्र मंत्र मानते हैं वो भी कुछ नहीं है, कर्मकांड जो तुम्हारे ग्रंथ वगैरह हैं वो भी फेक हैं, तो इन सभी से इन्हें विमुख किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखा है 12वीं शताब्दी में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? जो 12वीं शताब्दी थी उसमें भारत की स्थिति कैसी थी, आपको बताना है। पिछड़ी हुई, सम्मान, विपन्न या फिर अर्ध विकसित? राइट आंसर क्या होगा? 12वीं शताब्दी में भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, विपन्न या संपन्न? बताएगा विपन्न या संपन्न? तो कैसी थी? संपन्न थी। कैसी थी? संपन्न थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम कहां जजिया कर लगाया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? ठीक है भाई, सबसे पहले जजिया कर लगाता है वो लगाता है मोहम्मद बिन कासिम। किस पर? हिंदुओं पर लगने वाला ये कर है, हिंदुओं पर लगने वाला कर था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सबसे पहले जजिया कर। उसके बाद जजिया कर को समाप्त कौन करता है? जजिया कर को समाप्त करता है जो 1556 से लेकर 1605 तक का कार्यकाल होता है। किसका? 1556 से लेकर 1605 तक का कार्यकाल होता है। याद करो किसका कार्यकाल था, तो वह हो जाता है अकबर का कार्यकाल। अगर आपने मेरी थ्योरी वाइज पढ़ी होगी तो सब कुछ याद होगा, है ना। अकबर का कार्यकाल होता है और अकबर के कार्यकाल में ही कब? 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है अकबर के द्वारा। उसके बाद फिर दोबारा यहां पर समाप्त कर दिया। अब आएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो होता है वो जजिया कर को दोबारा स्टार्ट कर देता है। औरंगजेब जो होता है जजिया कर को दोबारा स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाता है? फिरोज शाह तुगलक लगाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बात करते हैं, औरंगजेब दोबारा स्टार्ट करता है और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर देखा है मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम कहां जजिया कर लगाया था, तो वह हो जाता है कौन सा? दाभोल में। कैसे याद करें? हिंदुओं पर लगाया गया था, भोल से निकाल लेना, भोले। कौन? भोले। भोले मतलब शंकर जी, ठीक है। शंकर जी क्या है? हिंदू ही तो है। तो इस प्रकार से यहां पर ट्रिक आपकी बन जाएगी दाभोल, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दे रखा है सेहवान का शासक कौन था? सेहवान का शासक कौन था? फटाफट आंसर दो। जयचंद, जयपाल, दाहिर या फिर हो जाता है बजहरा? राइट आंसर क्या होगा? सेहवान का शासक कौन था? फटाफट आंसर दीजिएगा। तो इसका शासक हुआ करता था बजहरा हुआ करता था। कौन? बजहरा। याद कैसे करें? यहां पर जो सहवान है, सहवान को छोड़ो, यहां पर हा और बा ले लो। हा और बा जब लेंगे तो क्या बनेगा भाई? हवा बनेगा। क्या बनेगा? हवा। और यहां देखो हा और रा बनेगा, क्या बनेगा? हरा। हरा जो हरे भरे खेत होते हैं वहां पर क्या चलती है भाई? हवाएं चलती है ना, बहुत ही अच्छे खेत लगते हैं फिर। तो बात करते हैं क्या हो जाएगा? बजहरा। तो बात करते हैं सहवान का शासक कौन था? बजहरा हो जाता है। बिल्कुल इजीली आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखा है सिंध के शासक दाहिर की राजधानी क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंध के शासक दाहिर की राजधानी क्या थी? जब अरबी आक्रमणकारी था 1712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम ने अरब पर, मतलब सिंध पर आक्रमण किया था। सबसे पहली बार अरबी आक्रमणकारी था उस समय। दाहिर जो यहां का शासक हुआ करता था, वहीं की बात देखी है कि दाहिर की राजधानी क्या थी। सिंध के शासक दाहिर की जो राजधानी हुआ करती थी
वह क्या थी, फटाफट कमेंट में लिख दो। तो उसकी राजधानी हो जाएगी, वो हो जाएगी राबर। क्या थी भाई? राबर थी। तो यहां पर दाहिर में रा देखने को मिलेगा, तो यहां पर भी रा लगा देना, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, दाहिर की राजधानी क्या थी? राबर थी। थोड़ा सा रुकेगा, यहां पर मुझे कंफ्यूजिंग हो रही है। ठीक है, ये नहीं दोगी? ठीक है, सॉरी सॉरी भाई, तो मैं कहा थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है इसलिए मैं यहां पर रुक गया। तो दाहिर की जो राजधानी थी वो क्या थी? अरोर थी। क्या थी? अरोर थी भाई, अरोर। ठीक है, दाहिर, क्योंकि ट्रिक क्या बनेगी? हीर, यहां पर हीर है, हीर राजा। ठीक है, और हीर जो राजा थे वो उनको जुदा कर दिया गया था। ठीक है, तो वो क्या रहे थे? रो रहे थे, है ना। तो अरोर, इस प्रकार से ट्रिक बन जाएगी। ठीक है भाई, तो मैं कह रहा ट्रिक थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। तो सिंध के शासक दाहिर की राजधानी क्या थी? अरोर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा है एनाल्स एंड एंटीग्यूट्स ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट में लिख दो, छाप दो आंसर। कर्नल डाट, जी डी कौसाम्बी, जयसवाल, अशोक सेन। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर होगा कर्नल डाट होगा। कौन? कर्नल डाट। ठीक है, कर्नल डाट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत हिल गया, किसने कहा है? यह कथन किसका है भाई, आपको बताना है। अरबों के आक्रमण के समय समस्त उत्तरी भारत हिल गया, किसका कथन है? अबुल फजल का, शामी का, कर्नल डाट का, या फिर अलबरूनी का? तो अरबों के आक्रमण के समय उत्तरी भारत हिल गया, तो मैंने क्या बताया? उत्तरी में किसका शासक, सेना कौन? कर्नल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नल डाट। ट्रिक के अनुसार याद करा रहा हूं सब, एक दो बार वीडियो देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे देखिएगा, यहां देखा है तुम्हारा, सुल्तान ए आजम की उपाधि लेने वाला दुनिया का प्रथम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सुल्तान ए आजम की उपाधि लेने वाला दुनिया का प्रथम शासक कौन था? एक बात बताएगा, सुल्तान क्यों बनेगा वो? सुल्तान कहां का बनेगा भाई? उसका साम्राज्य होगा, बिल्कुल। तो मैंने मान लिया ये हो गया साम्राज्य। अब इसे नापोगे किससे आप? तो कहोगे भाई गज से नापेंगे। किससे नापेंगे भाई? गज से नापेंगे। तो देख लो भाई, गज नापने वाला कहां छुपा हुआ है? तो गज, गज नबी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। तो सुल्तान ए आजम की, सुल्तान ए आजम की उपाधि लेने वाला दुनिया का प्रथम शासक कौन था भाई? गज से नापेंगे तो गजनबी हो जाएगा, मोहम्मद गजनबी। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, किसके अनुसार मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? किसके अनुसार मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? पहला दे रखा है इसामी, दूसरा अरबरूनी, तीसरा कर्नल डाट, फिर दे रखा हैनरी इटियल इलियट, सॉरी हेनरी इलियट। राइट आंसर क्या होगा? किसके अनुसार मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? हम मनाएंगे, ट्रिक तो हम मनाएंगे, है ना। तो बात करते हैं 17 बार आक्रमणकारी। एक बार बताइएगा, कोई 17 बार आक्रमण क्यों करेगा? इसका मतलब वो यहां से कुछ ना कुछ लूट के ले जा रहा है। अब एक बार लूटे, दो बार लूटे, तीन बार लूटे, चार बार लूटे, भाई हमेशा तो यहां पर कुछ रखा नहीं है। तो इसका मतलब कह सकते हैं यहां पर कोई हैन, हैन माने क्या होती है? मुर्गी। कोई सोने के अंडे देने वाली क्या है? मुर्गी है, है ना, जो मोहम्मद गजनबी आता है और ले जाता है, फिर आता है फिर ले जाता है। तो यहां पर याद रहेगा कौन? हेनरी एलिटिया, हेनरी एलियट, है ना, हेनरी एलियट। तो बात करते हैं किसके अनुसार मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? तो हेनरी एटियल के अनुसार किया था, एलिट के अनुसार किया था, सॉरी सॉरी एलिट के अनुसार। ठीक है, याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखा है, फारसी का होमर किसे कहा जाता है? जो फारसी का होमर है वो किसे कहा जाता है? ये लाइट थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, यहां पर पड़ती है, ठीक है कोई बात नहीं। तो बात करते हैं, फारसी का होमर किसे कहा जाता है? ख्वाजा अहमद को, फिरदौसी को, तुसी को, उसरी को? राइट आंसर क्या होगा? फारसी का होमर किसे कहा जाता है? तो फारसी का होमर कहा जाता है, फा से देख लेना, फिरदौसी को। किसको?
फिरदौसी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समय मत्तक नामक पुस्तक किसने लिखी, समय मत्तक नामक पुस्तक किसने लिखी, कलहड़ ने, अलबरूनी ने, इसामी ने या फिर छिमेंद्र ने। राइट आंसर क्या होगा, समय मत्तक नामक पुस्तक किसने लिखी बताएगा, समय मत्तक नामक पुस्तक किसने लिखी, तो उसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा छिमेंद्र। कौन, छिमेंद्र। इसकी ट्रिक मान लेना, कोई ट्रिक नहीं बनाइए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अदब उल हर्व किसकी रचना है, अदब उल हर्व किसकी रचना है ये आपको बताना है। पहला दे रखा है फखरे मुदब्बिर, दूसरा इशामी, अलबरूनी, अबुल फजल। राइट आंसर क्या होगा, अदब उल हब्र हर्ब किसकी रचना है, तो वो हो जाएगी तुम्हारी किसकी, फखरे मुदब्बिर। कैसे याद करेंगे, वा और वा, तो यहां देखो डबल वा, बिल्कुल सेम है ना, याद रहेगा। अदब उल हर्ब किसकी रचना है, फखरे मुदब्बिर की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ मुल्तान पहुंचा, बताएगा मोहम्मद बिन कासिम जो था अपनी सेना के साथ मुल्तान कब पहुंचा ये आपको बताना है। 713, 819, 1100 या फिर हो जाता है तुम्हारा 1530। इजी है, बता सकते हो ना, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो था पहला अरबी आक्रमणकारी था, इसने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था ना, 712 ईस्वी में किया था। उसके बाद जस्ट एक साल के बाद कहां चला गया, वो मुल्तान पहुंच गया। कहां पर, मुल्तान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 713 ईस्वी में, बिल्कुल इजी है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखा है तुम्हारा ईस्वी में निम्न में से किसने पेशावर को जीत लिया। 1169 ईस्वी में निम्न में से किसने पेशावर को जीत लिया बताइएगा, सॉरी 79 है, ठीक है 1179 में। गजनबी मोहम्मद गौरी, अब्दुल्ला मोहम्मद बिन कासिम। में बताओ राइट आंसर क्या होगा, बताओ भी राइट आंसर क्या होगा। और बुक अब खत्म हो गया था 1030 में। रुको, जो गजनबी है वो तो इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1030 में हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो ये तो होगा नहीं। तो उसके बाद कौन आता है, मोहम्मद गौरी आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी हो जाएगा, ठीक है भाई। और बात करते हैं गजनबी से एक पॉइंट और बन जाता है, उसको छोड़ नहीं रहे, यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसके शासनकाल में चार लोग रहते थे, इसके जो कहते हैं इसके दरबार में कितने चार लोग रहते थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछाते हैं। कौन, ट्रिक कौन सी है फूफा, ट्रिक कौन सी है फूफा। एक हो जाता है अलबरूनी, एक अलबरूनी हो जाता है, दूसरा अलबरूनी हो जाता है, दूसरा फारूखी हो जाता है, तीसरा फखरुद्दीन। नहीं, फारूखी तो हो गया ना, अब क्यों होगा, फिरदौसी कौन होगा, फिरदौसी, और उसे होता है उत्वी। तो ये चार रहते थे इसके दरबार में, बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं कि भाई मोहम्मद गजनबी के दरबार में कौन रहता था, फिरदौसी, उत्वी और फारूखी और अलबरूनी। फूफा से याद करना है, ठीक है, ट्रिक है ये। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, दीर्घा निम्न में से गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ को गौरी ने लूटा। अनहिलवाड़ जो गुजरात की राजधानी हुआ करती थी उसको गौरी ने कब लूटा था ये आपको बताना है। 1197, 1195, 1295 या 1194। राइट आंसर क्या होगा? इजी है, हार्ड नहीं है। तो बात करते हैं 1191 में क्या हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 में क्या हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध। 1194 में क्या हुआ, चंदावर का युद्ध। फिर उसके बाद जस्ट चौरानवे के बाद क्या आएगा, चंदावर का युद्ध हो गया ना यहाँ तो, और गुजरात को अनहिलवाड़ा गौरी ने लूटा। हाँ तो ठीक है, क्या होगा फिर 95। तो कब लूटा भाई, कब लूटा, तराइन चंदावर के बाद किसे लूट लिया, राजधानी अनहिलवाड़ को लूट लिया 1195। बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी है ना, सिक्वेंस भाई है बिल्कुल, और कुछ नहीं है। अगर आप डीपली अच्छी प्रकार से पढ़ते आ रहे हो शुरू से तो एक क्वेश्चन करके जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखा है, निम्न में से किस खलीफा की मृत्यु कुरान पढ़ते समय कर दी गई। तो कुरान पढ़ते समय किस खलीफा की मृत्यु की गई थी, तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि मोहम्मद साहब के अंतर्गत चार खलीफा आते हैं। कितने, चार खलीफा आते हैं, उनमें से एक खलीफा हैं जिनकी मृत्यु कुरान पढ़ते समय कर दी गई थी। तो कौन थे बताइएगा, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर। राइट आंसर बताओ कौन सा होगा। तो प्रथम खलीफा कौन थे, हजरत अबू बकर। द्वितीय खलीफा कौन थे, उमर। तृतीय खलीफा कौन थे, उस्मान। और चतुर्थ खलीफा कौन थे, अली। चारों खलीफा हो गए। तो बात करते हैं निम्नलिखित में से किस खलीफा की मृत्यु कुरान पढ़ते समय हुई थी, तो वो हो जाता है उस्मान की। किसकी, उस्मान खलीफा की मृत्यु कुरान पढ़ते समय कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध को सत्ता से अलग कब कर दिया गया था ये आपको बताना है। 871 में, 771 में, 570 में, 990 में, बताओ राइट आंसर क्या होगा। सिंध को सत्ता से अलग कर दिया गया था, तो आपको पता है कब कर दिया गया था, अलग। कतरने की बात हो रही है, कतरने की, 71 कतर है ना, 71 कतर, 771 में इसे अलग कर दिया गया। बिल्कुल याद रहेगा, ट्रिक भी बन गई। आगे देखो, मोहम्मद गौरी को कत्ल कर दिया गया, मोहम्मद गौरी का कत्ल कर दिया गया, कब कर दिया गया आपको बताना है। 1306, 1206, 1191, 1990, वो 1950, ये कहां से लगा दिया भाई, अभी जस्ट पहले ही। तो बात करते हैं मोहम्मद गौरी का कत्ल कर दिया गया, कब कत्ल किया था ये आपको बताना है। ये तो इजी है ना, इजी है ना, बिल्कुल 1206 में पहले पढ़ रखा है ये तो। नेक्स्ट देखो, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद का जन्म कहां हुआ। देखो रिपीट क्वेश्चन, कहां पढ़ाया, कहां आया है ना, बिल्कुल। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद का जन्म कहां हुआ, तो मैंने बताया था 570 ईस्वी में कहां हुआ था, मक्का में हुआ था। उसके बाद बाय करके 622 में कहां चले गए, मदीना चले गए, और बहन की मृत्यु हो जाती है। हजरत मोहम्मद स्टार्ट करते हैं 622 में, इनकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु होती है 632 ईस्वी में। ये सब पढ़ रखा है ना हमने, बिल्कुल। आगे देखो, देखा इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा हैं, इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा कौन है आपको बताना है। हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी। कितनी बार बता दी अब तक, चार बार, तीन से चार बार बता दी अब तक आपको, आंसर राइट आना चाहिए। इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा कौन थे, पहले कौन थे, अबू बकर, दूसरे कौन थे, उमर, तीसरे कौन थे, उस्मान।
चौथे कौन थे? अली। तो राइट आंसर उमर। दूसरे पूछ रखा है, दूसरे कौन जाएंगे? उमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है भाई। तो बात करते हैं 1006 ईस्वी में मुल्तान पर किसने विजय प्राप्त की? 1006 ईस्वी में मुल्तान पर किसने विजय प्राप्त की? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर उबैदुल्लाह? बताओ राइट आंसर क्या होगा। 1006 ईस्वी में मुल्तान पर किसने विजय प्राप्त की थी? इस समय था कौन? कौन था भाई, बताइएगा कौन था? इस समय कौन था? अरे वही तो है, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात, इस पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनबी ने। मोहम्मद गजनबी ने, और मोहम्मद गजनबी ने ही 1006 ईस्वी में मुल्तान पर किसने विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद गजनबी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर आप अच्छी प्रकार से शुरू से पढ़ते आते होगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पूरी क्लोज कर दी, इतना डीपली पढ़ा दिया कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला। बस इतना ही अच्छी प्रकार से कवर कर लेना, 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, 5 क्वेश्चन बनेंगे यहीं से, 5 क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। वीडियो को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे। ठीक है भाई, बाकी आपकी मर्जी। तो लाइक करना, शेयर करना, जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और फ्रेंड्स, जो हमारी क्लासेस होंगी वो अभी तो यूट्यूब पे ही चल रही है, ठीक है, बाद में ऐप्स पे चलने लगेंगी, क्योंकि जो फैसिलिटी वाले टीचर अब आएंगे, मतलब अब वो टीचर जो है बुक पे निकाले जाएंगे और अच्छे टीचर आपके लिए रखे जाएंगे जो आपके लिए बेहतर पढ़ा सकें। ठीक है, तो बात करते हैं, पढ़ाई ऐसी होगी अब जो आप बिल्कुल याद करो। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे चल के क्या करेंगे, यूपीएससी वगैरह की तैयारी यहीं से हमारी तैयार होगी। ठीक है, अगर आप अच्छी प्रकार से बीए में अच्छा स्कोर कर लेते हो, अच्छी प्रकार से बुकों को रिवाइज कर लेते हो एक बार, ठीक है, अच्छी प्रकार से अभी पढ़ लेते हो, तो यूपीएससी वगैरह है और भी एग्जाम है हाल ही में आगे जो आने वाले हैं आपके, कह सकते हैं भविष्य में, तो उनके लिए बहुत ही सहायता देखने को मिलेगी यहां से, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। एक बात है, कंपटीशन में बाहर तो आते नहीं है। अगर आप बी अच्छी प्रकार से पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन क्या बाहर जाएगा? नहीं जाने वाला। आप चुटकियों में, जो लोग बहुत तैयारी करके जाते हैं, आप सिर्फ बीए को अच्छी प्रकार से पढ़ लोगे तो जीएस में बादशाह बन जाओगे। क्या? जीएस के बादशाह बन जाओगे। तो बीए को हल्का मत समझा करो। ठीक है, बीए एक बहुत ही लेवल का सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छे लेवल का सब्जेक्ट है। जिसने बीए अच्छी प्रकार से पढ़ लिया वो समझ लो, कह सकते हैं ना, वो कह सकते हैं और जो बोर्ड है उनसे बहुत ही फास्ट हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं बोर्ड नहीं, और जो क्लास है बीएससी है और वगैरह क्लास है उनसे बहुत बेहतर है कंपटीशन के क्षेत्र में। ठीक है, तो बीए को अच्छा मतलब कमजोर नहीं समझना है, बीए के लिए अच्छा समझना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वह प्यार से बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, बेल आइकन को प्रेस करना, और यूपीएससी की तरफ आगे भी इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे, आपकी तैयारी बेहतर करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स, जल्दी आपकी क्लास बहुत ही बेहतरीन चलने लगेंगी। अभी जो आपके अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं बीए के, तो उनके लिए क्लास अभी चलेंगी। तो फिर जय हिंद, जय भारत।